चैनल माय नेम इज प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ एयर होस्टेस के लिए ब्यूटीफुल 5 अमेजिंग हेयर स्टाइल, और जिसके भी फेस पे फ्लैग हेयर स्टाइल सूट करता है, यानी कि लॉन्ग फेस पे बना सकते हो आप लॉन्ग फेस के लिए, और एयर होस्टेस के लिए 5 अमेजिंग बन हेयर स्टाइल, जिसमें कि अलग अलग टाइप की बन हेयर स्टाइल आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको भी इस टाइप की हेयर स्टाइल जिनके फेस पे सूट करे, या फिर जो साड़ी ज़्यादा बांधते हैं और जिनको लोबन पसंद है, ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीति तिवारी, जिसमें मैं अमेजिंग ब्लाउज की डिजाइनिंग करती हूँ, खुद के माइंड से डिजाइनिंग तैयार करती हूँ, जिसको देख कर आप उसको उसकी कटिंग स्टिचिंग करोगे, एकदम न्यू ट्रेंडिंग डिजाइन होती हैं। तो आप उससे भी जाके उस चैनल को देख लीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सेटवेट जेल के बारे में बताइए, तो काफ़ी अच्छा है और बालों को अच्छे से सेट रखता है, और ये जेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बालों को जिस तरीके से आप मोड़ के रखना चाहोगे वैसे रहेगा, और इसी वीडियो में इसको यूज करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं बीच मांग से बताऊंगी। हेयर होस्टेस को बहुत ज़्यादा फ्लैट हेयर स्टाइल ही करती हैं, तो मैं उस टाइप से हेयर स्टाइल आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीच की मांग निकाल ली है, तो ज़्यादा लंबा मांग नहीं निकालना है आपको। आपको अगर आपको स्टाइलिश लुक दिखाना है तो इस तरीके से आप मांग निकालोगे। उसके बाद बैच में आप इसकी एक पोनी टेल बना लोगे, बहुत ज़्यादा लो पोनी टेल भी नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा बैच से एक या एक इंच तक ऊपर पोनी बनानी है। पोनी को टाइट करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा खींच लेना है ताकि बालों में वॉल्यूम दिखे। इस तरीके से आपका भी फ्लैट हो जाएगा, तो पहले आप इस तरीके से कॉम कर दीजिए और फिर अच्छे से वॉल्यूम आ जाएगी बालों में, और अच्छे से पीछे से टाइट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप सिंपली एक बन बना सकते हो बालों में, इस तरीके से सिंपली टाइट करना है, ट्विस्ट करना है। तीन चार यू पीस लगा दीजिए, अगर आप ऑफिस गर्ल हैं और साड़ी बांधती हैं तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकती हैं। उसके बाद अगर आपको आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब नहीं मैनेज नहीं रहते हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जेल ले लोगे हाथों में, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेना, इतना अच्छे से बालों को हाथों पर फैला के, और जिधर से बालों को आपको चिपका के रखना है वहाँ पे इसको लगा दो, और पतले दांतों वाली कॉम लेके इसको अच्छे से सेट कर दो। मैंने यहाँ पे मोटे दांतों वाली कॉम ली है, लेकिन आप पतले दांतों वाले से कीजिएगा अगर आप चाहे ऑफिस गर्ल्स हैं या फिर आपको एयर होस्टेस वगैरह हैं तो। और ये हमारा बन का फाइनल लुक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। थोड़ा सा इस तरीके से फेस फेस को ऐसे रखना है। ये तो था साड़ी के लिए। सेकंड हेयर स्टाइल आप जो यूनि स्कर्ट वगैरह पहनती है या होस्टेस उनके लिए है। सब जगह अलग अलग ड्यूटी होती है, तो ये वाला जो हेयर स्टाइल बता रही हूँ ये जींस टॉप पे भी आप कर सकते हो, सूट पे भी कर सकते हो, और मॉडर्नाइज कपड़े जो पहनते हैं स्लीवलेस वगैरह और गाउन ड्रेस उनके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से बालों को कॉम करना है, ट्विस्ट करना है, और
यूपीएस को सेट करना है। यूपीएस में सेट करने का तरीका क्या है, यहाँ से आप इस तरीके से हेयर कर लोगे, देन बालों को सेट करते हैं। कभी भी यूपीएस ऐसे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से ऊपर से लेके और नीचे की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपका यूपीएस बाहर की तरफ लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, बट आप काम करते हो ऑफिस में उसको लेयर अगर आप संभाल सकते हो तो निकालो, अदरवाइज आप उसको ऐसे बैग में सेट रखो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। इसको भी मैं बीच मांग से लूँगी। जो भी मैं बीच मांग से कर रही हूँ, ये आप साड़ी पे बना सकते हो, साड़ी भी काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा फ्लैट लुक देंगे। ये हेयर स्टाइल इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं फ्लैट, ताकि आपको बालों को संभालने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और अपना काम आप अच्छे से कर पाओ। फ्रंट से इस तरीके से लुक रहेगा, बैक से थोड़ा सा ज़्यादा लो लुक हो जाएगा, थोड़ा सा हाई कर दीजिए। ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको बालों को आधा आधा पार्टी करके लेना है, thank you।
से भी पूछ कर दूँ जो पिन को। चौथा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गए। ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और बहुत इजीली आप बना भी लोगे। और यहाँ पे आप पिन सेट कर सकते हो अगर आपके हेयर छोटे हैं मेरी तरह, तो थोड़ा सा बालों को वॉल्यूम देने के लिए इस तरीके से खींच लीजिए। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। पाँचवा हेयर स्टाइल है एयर होस्टेस के लिए, तो आपको इसके लिए आपको पूरा फ्लैट एक पोनी बनानी है। पोनी बनाने के बाद फ्रंट से आप थोड़ा थोड़ा खींच लो ताकि वॉल्यूम का दिखे आपके बाल में इस तरीके से। ओके, अब सिंपल जो आप बाल बनाते हो आई होप कि आपको ये सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे हों और हेयर होस्ट्रेस और हाउस वाइफ हैं लोगों को पसंद है तो ये सारे हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। इजी हेयर स्टाइल्स हैं। और भी कोई हेयर स्टाइल देखना हो किसी अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग तो आप उनसे पूछ सकते हो, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर पिन पिनअप्स लगा दे रही हूँ ताकि ये हेयर स्टाइल मैं थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए रख पाऊँ और मैं उनको और भी पिन के ऐड कर दे रही हूँ ताकि जाए बाद में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक मैं अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे तक बढ़ पा रहे हैं।